नेपाल के तराई हिस्से में हुई भीषण बारिश के बाद से जून के महीने की शुरुआत होते ही कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिसको लेकर सहरसा के जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा सतर्क हो गए हैं। उन्होंने जिले के विकास सभागार में पंचायत प्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ बाढ़ को लेकर एक समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में वैसे पंचायत जहां कोसी नदी हर साल कहर बरपाती है, वहां के मुखिया से बाढ़ के बचने के सुझाव मांगे गए। जिला पदाधिकारी ने अंचलाधिकारी राजस्व कर्मचारी को बाढ़ को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने बताया कि कोसी के बाढ़ से कैसे निपटा जाए, इसके लिए बाढ़ पीड़ित पंचायत के मुखिया के साथ बैठक कर सारी जानकारी ली गई है। उन्होंने बताया कि सभी अंचलाधिकारी को भी बाढ़ से निपटने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं और सभी को अलर्ट मोड में रखा गया है। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं कहा कि बाढ़ आश्रय स्थल पूर्ण रूप से खाली रहना चाहिए ताकि बाढ़ पीड़ित बाढ़ के दिनों में वहां रह सके। उन्होंने अभियंता को भी अति शीघ्र मरम्मत कार्य करने को लेकर अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। बाढ़ पूर्व जितनी भी हमारी तैयारियां हैं, हमारी क्या स्थिति है, उसका आकलन करने के लिए सभी टीम मेंबर्स के साथ बैठक किया गया। सभी अफेक्टेड और पार्शली अफेक्टेड पंचायत के मुखियागण लोगों को बुलाया गया था। जहां पे भी उनके पंचायत में कटाव की स्थिति हो रही है उसको नोट कराया गया है। फ्लड डिवीज़न को निर्देश दिया गया है कि वो एकदम सुपर एक्टिव मोड में उस सभी कटाव वाले जगहों को जियो बैगिंग से प्रोटेक्ट करे। अन्य सभी विभागों को जो भी आवश्यक निर्देश था वो दिया गया है। अंचलाधिकारी को GR जल्द से जल्द अभी अगर कहीं भी बचा है तो उसको अपडेट कर देने का निर्देश दिया गया है। पूरी टीम मेरी प्रतिबद्ध है, हम लोग बाढ़ के लिए जो भी हमें स्थिति होगी मेरी पूरी टीम उसको निपटने के लिए रेडी है। सर, कई बाढ़ आश्रय स्थल ऐसे हैं जहाँ पर लोगों ने कब्जा कर रखा है? कोई भी बाढ़ आश्रय स्थल अगर ऐसा है जहाँ पे कब्जा है तो उसको इमिडिएटली प्रतिवेदित करने के लिए संबंधित पदाधिकारी को बोला गया है, और उसको कोई भी अगर होगा तो उसके ऊपर हमने जितनी भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी हम लोग कार्रवाई करेंगे। दूसरा, जितने भी बाढ़ आश्रय स्थल है उसके लिए पत्र निकाल दिया गया है कि वो पंचायत को उसको मेंटेन करना है, इसलिए वो सारे पंचायत उसका हैंडओवर लेके उसमें अगर कहीं भी मेंटेनेंस की आवश्यकता है वो पंचायत अपने लेवल से मेंटेन करेगा और बाढ़ के बाद वो अन्य अपने कार्यों में यूज़ करेगा जिसका रेवेन्यू पंचायत में आएगा। तो इसलिए सभी बाढ़ आश्रय स्थल अब पंचायत को मेंटेन करना है। जहाँ हैंडओवर नहीं हुआ है अगले 2 दिन के अंदर में वो हैंडओवर लेके उसको कहीं भी अगर इंक्रोचमेंट उसको क्लियर कराने का स्पष्ट निर्देश दे दिएगा, जिसका अनुश्रवण संबंधित अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी करेंगे। सर, कुंडा में अभी भी कटाव जारी है? कुंडा का काम जो बताया गया है कि अब अगले 3 दिन के अंदर में कंप्लीट हो जा रहा है, और उसके आगे भी आज पता चला है कि थोड़ी जगह कटाव है, उसके लिए फ्लड डिवीजन को बोला गया है। गौरतलब है कि कोसी नदी के जलस्तर में हो रही वृद्धि की वजह से सहरसा के नौहट्टा प्रखंड के निचले इलाके में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। पिछले 24 घंटा के दौरान कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज भी की गई है। नदियों के बढ़ते जलस्तर की वजह से कई इलाके में कटाव भी होने लगा है। सहरसा से बोलता बिहार की रिपोर्ट। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।